फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपके एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी नए साल आने वाला है तो आपके लिए काफी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं और आप जो है काफी अच्छा अपने यूट्यूब पे कर सकते हो, काफी अच्छे कंटेंट आप ला सकते हो हैप्पी न्यू ईयर की रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, चलो आज बात कर लेते हैं। जो हमारी एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक बग की, वो यूट्यूब ने जो है दूर कर दी है। आप देख सकते हो अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाके या फिर वाईटी स्टूडियो में जाके आप वहां पे चेक कर सकते हो, आपके जितने भी कटे हुए सब्सक्राइबर हैं वो वापस आपके आ चुके हैं। जितना आपका वो टाइम यहां पे डिक्रीज हुआ था वो आपको शायद वापस मिल ही गया होगा। अगर किसी को वापस नहीं मिला है तो प्लीज अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लें या फिर एक बार लॉग इन कर लें अपने क्रिएटर स्टूडियो में बेटा में भी, तो वहां आपके जितने भी सब्सक्राइबर कटे हुए थे वो सारे आपको जो है वापस मिल चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर 40 या 50 सब्सक्राइबर कटे थे, जितना उनका वो टाइम कटा था वो सारा मुझे वापस मिल चुका है। तो आप भी एक बार अपना चेक कर लीजिए, दोनों में सही से दिखा रहा है वहां पे, सही से शो हो रहा है या नहीं। अगर आपका सही नहीं शो हो रहा है, अभी भी कटे हुए आपके दिखाई दे रहे हैं, तो आप प्लीज अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए या फिर एक बार दोबारा से लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लीजिए, तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर है वो आपके वापिस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब ने आपके लिए 2020 में काफी अच्छी चीजें कर दी हैं, आपके मोनेटाइजेशन से लेकर आपके सब्सक्राइबर तक, आपकी हर चीज जो आप यूट्यूब पे करते थे पहले 2019 में, वो आपको 2020 में काफी चेंजेस मिलेंगे। आपको आपकी सारी सेटिंग्स वगैरह यूट्यूब बेटा में आप देख सकते हो, वहां पे आपको जो है बेटा वर्जन आपको मिला है, काफी अच्छा वर्जन है, यूज करने में काफी सिंपल और इजीएस्ट है काफी। और वहां पे आपको जो है मोनेटाइजेशन के लिए आपको काफी एक अलग सा फॉर्म दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं। जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर और आपका 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको डायरेक्टली मेल करते हैं और आपका चैनल जो है रिव्यू में भेजा जाता है, और जल्दी ही आपके जैसे एक या दो दिन के अंदर ही आपका जो है मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाता है। अगर आपकी चैनल में कोई भी दिक्कत नहीं है, रिव्यू में अगर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं लगती है, तो आपका मोनेटाइजेशन जल्दी ही इनेबल हो जाता है और उसके बाद आपकी जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि जैसे ही 2000 स्टार्ट होने वाला है, अभी आप अपने चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो डालिए, अच्छे अच्छे कंटेंट डालिए। जो अभी न्यू यूट्यूबर्स हैं वो पहले ये डिसाइड कर ले कि उनको वीडियो किस फॉर्मेट में बनानी है, किस कैटेगरी में बनानी है, तो वीडियोस वो अपनी उसी कैटेगरी में डालें। क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स हैं वो कुछ भी वीडियो उठा के डाल देते हैं, सोचते हैं इनसे अर्निंग होगी, तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे काफी मेहनत करनी होती है, आप सभी को पता ही है। जो आज इतने अच्छे लेवल पे हैं उनसे आप एक बार पूछिए कि उनका जो है यूट्यूब करियर कैसा रहा है, तो आप भी उन्हें फॉलो कीजिए। उनकी जो भी बातें हैं, जो वो अपने जो है अपने लाइफ के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं, तो अपनी जो है स्टोरी वो शेयर करते हैं सबसे, तो वहां पे आप देख लीजिए। आपको कंटेंट ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, जिसके बारे में आप बता सकते हो दूसरे व्यूअर्स को। तो इसमें आप जो है अच्छा कंटेंट लाइए, अपने जो है हर चीज में आप जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए अपने आप को, और जो है 2020 में जो भी नए यूट्यूबर्स ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब को काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग के बेस पे, तो यहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं वो बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करें और उनकी जो है वीडियोज देखें अच्छे से, और अपनी वीडियोज का कंटेंट, जितना भी कंटेंट आप डालते हो वो आप बेटर करने की कोशिश कीजिए। जैसे जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप पहले अच्छे से जान लीजिए, क्या उस कैटेगरी में क्या आपको बताना है, क्या आपको शेयर करना है, तो उस कैटेगरी को आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आप वीडियो अपलोड कीजिए। अपलोड करने का टाइम भी आपका जो है सही होना चाहिए, जैसे आपका सुबह का टाइम या फिर शाम का टाइम, उस बीच में आप जो है अपनी वीडियोज अपलोड कर सकते हैं, और आपका जो है टाइटल, टैग्स, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, आपकी हर चीज अच्छे A1 होनी चाहिए बिल्कुल। इसी के बेस पे आपको जो है आपकी यूट्यूब जो वीडियोज हैं वो आपकी रैंक करती है, तो रैंक करने के लिए भी SEO काफी आपके लिए परफेक्ट होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है। उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा SEO के लिए, कैसे SEO काम करता है, कैसी आपकी वीडियो जो है रैंकिंग में जाती है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, बस यही था इस वीडियो में कि कैसे जो हमारा एक बग था, मैंने वैसे ये वीडियो बग के लिए बनाई थी, जितने आपके सब्सक्राइबर कटे थे वो आपके सारे सब्सक्राइबर जो है वापिस आ चुके हैं। आप जो है अपना चेक कर लीजिए, अगर किसी के नहीं आए हुए हैं तो आप जो है दोबारा से एक बार लॉगिन कर लीजिए या फिर अपनी एप्लीकेशन YT को जो है अपना अपडेट कर लीजिए, आपके जितने भी सब्सक्राइबर और आपका वॉच टाइम है वो आपको सारा वापस मिल जाएगा, शायद मिल भी गया होगा, आपने ध्यान भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, यही था, और नए 2020 में आपके लिए नए नए फीचर्स आने वाले हैं यूट्यूब की तरफ से, काफी उनके एल्गोरिथम चेंज हो रहे हैं, काफी उन्होंने नए नए अपडेट्स लाए हुए हैं, आप देख सकते हैं रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आता रहता है यूट्यूब की तरफ से, तो काफी अच्छा और सिंपल, इजीएस्ट हो चुका है अब
तो फिलहाल आपको यही जरूरत है कि आप अपना कंटेंट अच्छा करिए, काफी बेटर करिए, अपना टाइटल टैग और थंबनेल डिस्क्रिप्शन वगैरह आप अच्छे से लिखिए, और इसी से थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी जो है वीडियो जो है रैंकिंग में जाती है। तो फ्रेंड्स बस बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।